तो अभी नया वीडियो बहुत दिन बाद लाया हूँ। तो ये जो गाड़ी है मैंने लिया है, एक प्री ओन कार है ये ऑलरेडी। तो ये होंडा सिटी 2003 मॉडल है। क्यों मैंने इसको लिया है, सबसे बड़ा बात पैसा बहुत कम है, और दूसरा बात इसके जैसा इंजन अभी तक ऐसा पावरफुल इंजन मतलब होंडा अभी तक नहीं निकाला, क्योंकि उसके बाद में वो बंद कर दिया। तो इट्स ओके, 16 वाल्व का इंजन है। ये ग्रे कलर मैंने लिया है क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करूंगा, आखिरी तक देखना है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा वीडियो आएगा, बट ठीक है अभी के लिए। और ये अपना सेगमेंट में तब का टॉप मॉडल कार है। इसके अंदर एसी, पावर विंडो और बैक कैमरा, उसके बाद सेमी ऑटो स्टेयरिंग और सस्पेंसर सब तो लगा ही हुआ है। हाँ, एक है अलॉयड व्हील नहीं है, जो मैं लगाऊंगा बाद में अलॉयड व्हील। और ये है गाड़ी, देख लो पहले एक बार ठीक से। सो गाइज, मैं बैक सीट से आपको एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये है इंटीरियर, ये यहाँ का जो फैब्रिक है ना, ये वेलवेट फैब्रिक है। ये है पावर विंडो का स्विचेस, ये लॉक अनलॉक का, ये डोर हैंडल है, ये डोर हैंडल ठीक है, और यहाँ पे एक हैंडल बार है ठीक है। ये ऊपर का जो फैब्रिक है हैंडल बार से, ये ऊपर का जो पूरा फैब्रिक है, ये पूरा फैब्रिक आपका लेदर का भी नहीं है और आपका वेलवेट का भी नहीं है, और ये हार्ड कोर प्लास्टिक है ठीक है, ये हार्ड कोर प्लास्टिक है। ये पीछे का आपको आप देख सकते हो, ये है बॉक्स स्पीकर, ये इसको ट्री हैंगर बोल सकते हो आप, इसको क्या बोलते हैं मुझे उतना मालूम नहीं है, बट हाँ कमेंट में आप लोग बोल देना। और यहाँ पे जो है कोई कप होल्डर या फिर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक आर्म रेस्ट है जो मैंने यहाँ पे बंद करके रखा है आर्म रेस्ट को, ये है आर्म रेस्ट, ये आर्म रेस्ट, और अच्छा खासा इस यहाँ पर स्पेस है। और यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो, एक चेन है, चेन के अंदर आप कुछ रख सकते हो ठीक है। ये सीट काफी पीछे किया हुआ है कुछ कंफर्ट के लिए। और यहाँ का जो मैं आपको ड्राइवर सीट का दिखा देता हूँ, ये है गियर लीवर, गियर पैड, पेडल जो है मैनुअल है। और यहाँ का जो है ये फैब्रिक प्लास्टिक का है ठीक है, ये प्लास्टिक का है, ये भी यहाँ का जो नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं वैनिटी मिरर ठीक है, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, शीशा दिया हुआ है, यहाँ पे सच कुछ नहीं है। और इसका जो क्लोजिंग है ये अच्छा खासा है, मतलब सनगार्ड वाइजर को सनगार्ड करने के लिए अच्छा खासा है, मतलब मस्त है ठीक है। सो ये है इंटीरियर। तो गाइस पहले आपको इंजन दिखा देते हैं गाड़ी का ठीक है। तो ये इसका ह्यूज एक इंजन, अपनी के सेगमेंट के इतना बड़ा इंजन तो आपको शायद ही दिखेगा। 16 वाल्व हाइपर इंजन है होंडा का, और बैटरी जो है ये नया लगवाया हूँ, और इसके अंदर तो इंटीरियर आपको भाई उतना मुझे मालूम नहीं है कि इंजन के बारे में और या फिर इतना कार के बारे में, इस चलाना होता है यही है। हाँ एक चीज है, अभी का जैसे शॉकर होता है या फिर सस्पेंसर होता है जैसे इसको लगाने के लिए, इसके लिए इसको आपको मैनुअली इसको यहाँ पे सेट करना होगा। और सेट करने के बाद ये है इंजन का साइज, एक बार खाली देखिए। तो ये है मेरी कार का की, एडिशनली मैंने इसको ऐड किया है। इसमें चार फीचर्स है, एक है साउंड का, जो साउंड मैंने ऑफ करके रखा है, साउंड ये ऑफ और ऑन का बटन, ये लॉक अनलॉक का बटन। सो लॉक अनलॉक करने से आपको यहाँ पे दिखेगा कि DRL जो है इसका जो वो स्टार्ट होता है, ये देखिए ये लॉक, ये भी अनलॉक। इस गाड़ी का डिग्गी देखते हैं, डिग्गी जो है बहुत बड़ा है, मतलब सच में बहुत बड़ा स्पेस है। आपको दिखाने के लिए मैं एक मतलब बॉक्स रखा हूँ ताकि साइज में आपको पता चले कि कैसा है। ये कुछ इसका स्पेयर पार्ट मैंने रखा हुआ है, ये बॉक्स है देखिए, मेरा हाथ के डबल एक बॉक्स है, इसके अंदर भी यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है, मतलब आराम से एक जन सो के जा सकते हैं इसके अंदर, ऐसा है ये इसका डिग्गी का साइज ठीक है। ये कार तो की देख लें, अभी चलिए अंदर से देखते हैं। इसका गेट जो है ये 45 डिग्री एंगल में ही खुलता है, ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री एंगल में खुलेगा। तो ये है इसका अंदर का लुक। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा नीचा है बैठने में। मेरा हाइट 5'11" है, सो ऐसे करके मुझे बैठना पड़ता है ये। सो ये है स्टीयरिंग व्हील जो आगे का, ये इस तरफ आपका वाइपर का, इस तरफ आपका लाइट का,
लाइट्स, हैलोजन लाइट जो है वो भी इसका। अंदर का जो ये आपका स्पीडोमीटर और या फिर आरपीएम मीटर जो भी है, ये सब यहाँ पे दिखता है। तो आपको एक बार लुक दिखा दो, जो पुराना वाला आरपीएम मीटर होता है ना वैसा ही है, ऐसा जैसा कुछ स्पेशल तो नहीं है। ये इसका मीटर, ये है इसका स्टीयरिंग जो पहले का था वैसा ही है। और ये है आपका एसी का वाल्व, एसी अप डाउन के लिए, एसी ऑन ऑफ, यहाँ पे चील्ड और वार्म मोड के लिए। ये अंदर का तो आपको मालूम ही है, ये म्यूजिक सिस्टम है मैं एडिशनली लगाया हूँ इसके अंदर। और ये है, ये गाड़ी का अंदर इसका लुक, ये पूरा अंदर से इसका जो साइड वाइज भी मैं दिखा देता हूँ, पीछे का बैक का। ये गाड़ी का पूरा है, ये जो आपका आपको दिखाई दे रहा है ये बैक में दिखाई भी देता है, और रिवर्स कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है। अगर देखना है, चलिए मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट करके आपको एक बार रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ। ये देखिए रिवर्स कैमरा, ये स्टार्ट हो गया। सो अभी धूप आ रहा है बोल के इतना शायद दिखाई नहीं दे रहा है, बट हाँ अच्छे से दिखाई देता है रिवर्स कैमरा कैसा होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बोलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना, ठीक है। और थोड़ा मतलब तबीयत थोड़ा खराब है, इसीलिए ऐसा लुकिंग हो गया है, कुछ नहीं कर सकते, होप जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। और ये है वीडियो, जरूर शेयर कर देना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत व्यू आ रहा है बट सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और सभी को शेयर कर देना, ठीक है। यही है वीडियो आज के लिए, जब मॉडिफिकेशन होगा तब दूसरा वीडियो लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।